नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़े न्यूज। कानपुर दंगा मामले में अब राजनीति तेजी पकड़ने वाली है। दो सपा विधायकों ने लखनऊ जाकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है, साथ ही उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी सौंपी है। कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अब तक की घटना को अखिलेश यादव से बताया है। सपा ने बनाई रिपोर्ट में ये कहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में भाजपा के विचारधारा के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट में जांच के नाम पर कई निर्दोषों को फंसाया गया है। अखिलेश यादव ने तय किया है कि बहुत जल्द सपा का डेलीगेशन कानपुर भेजा जाएगा। सपा के लखनऊ के उच्च पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कानपुर जाकर पीड़ितों और आला अफसरों से बात करेगा, साथ ही अब तक की कार्रवाई में खामियों को तलाशने की भी कोशिश रहेगी। और इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या दंगाई सपाई है? क्या उनके सपा से ताल्लुकात है? आखिर क्यों सपा के विधायक सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? और इसी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद है भाजपा से श्रीनिवास पांडे जी, और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी। आपके पास आना चाहूंगी श्रीनिवास पांडे जी, जिस तरीके से अब ये आरोप लग रहे हैं जो विपक्षी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि क्या जो विपक्ष, अगर सपा की बात कर ले, सपा पर लगातार अब आरोप लगाते जा रहे हैं और उनका कहना है कि भाजपा एक टारगेट कर रही है सपा को इस मामले में। ऐसा कुछ भी नहीं है, टारगेट नहीं किया जा रहा है। कानपुर दंगे में अगर जो मतलब जितनी हवा दी गई है तो इन्हीं लोगों की तरफ से हवा ज्यादा दी जाती है। और ऐसा कुछ नहीं कि आरोप लगाया जा रहा है। और अगर ये तो वकालत भी कर रहे हैं, कल भी डिबेट में यही हुआ था कि नुपुर शर्मा के बयान पे उन्होंने कहा कि उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए था, मतलब एक महिला के साथ मतलब अगर धमकी मिल रही है तो ये एक चिंता की विषय है। लेकिन इनके नेता तो ऐसे कहते कि अरे उन्होंने ऐसा कहा तो उनके साथ तो अगर रेप भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनके नेताओं का तो ऐसा स्टेटमेंट ही रहता है, तो हम आरोप ना लगाए तो क्या करें। और जहां तक कानपुर दंगे की बात है, तो कानपुर दंगे में अगर बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं और दंगाइयों को पकड़ रहे हैं तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो देश को आग में झोंकेगा तो उसको तो सजा मिलेगी। और नाइक अगर स्टेटमेंट देते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, एक नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दे दिया तो ये बहुत है। इनके नाइक ने पैगंबर के बारे में बहुत कुछ बोला है तो वो जायज है। और ये सबसे पहले कहते हैं कि ये हिंदू का देश नहीं है, तो ये मैं बताऊं ये देश किसका है? ठीक है, ये देश धर्मनिरपेक्ष का है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो क्या आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष का देश है? या अफगानिस्तान में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष देश का देश है? हम धर्म की सभी की सम्मान करते, लेकिन ये हिंदुओं को टारगेट बनाया जाएगा तो ये अब नहीं होगा, ये जरा भी नहीं सहा जाएगा। हिंदू शुरू से हिंदू को टारगेट बनाया जाता है तो अब जरा भी टारगेट पे हम नहीं सहेंगे। और हम आरोप नहीं लगा रहे, इनकी ये पूरी तरीके से साजिश है ही सत्ता की। किसी भी तरह से इनकी कुर्सी छिन गई है तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मतलब भाजपा को ऐसा परेशान करो कि ये 5 साल तक शासन ना कर पाए ठीक से। ठीक है, विवेक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब तय कर लिया कि बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है अब वो कानपुर भेजा जाएगा। विवेक पांडे, देखिए पूरे मंच को बहुत जिम्मेदारी के साथ धन्यवाद देते हुए आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ जी, कि सुबह सुबह जहाँ दूसरे मीडिया चैनल व्यस्त है दूसरी खबरों में, आपने इस ज्वलंत विषय को उठा करके इस पे लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जी। बात सही है, विपक्ष का एक विपक्ष की अहम भूमिका होती है। देखिए, संवेदनशील मुद्दों से लेकर के हर सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाए रखकर सरकार को जगाते रहने की, और हमारा डेलीगेशन हर उस जगह पे जाता है जहां पे, ये कोई परिपाटी पहली बार नहीं हो रही है। जब हम विपक्ष में, जब भाजपा विपक्ष में थी, हम सत्ता में थे, कोई घटना होती थी इनका भी डेलीगेशन जाता था। तो ये मुझे लगता है अब परिपक्व व्यवहार में से थोड़ा बचना चाहिए। रही बात विपक्ष पे आरोप कुठाराघात करने से पहले, मुझे लगता है थोड़ा सा आत्मचिंतन और आत्ममुग्धता से प्रेरित ना होते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा अपने बगले झांकने की जरूरत है। क्यों? कानपुर हिंसा के मामले में बीजेपी यूथ विंग के नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। अब बीजेपी यूथ विंग के नेता क्यों गिरफ्तार किए जाते हैं? भाई सरकार है, आप अपनी संस्था से स्वयं पूछ सकते हैं। इसी क्रम में 15 खाड़ी देशों की आपत्ति दर्ज कराने के बाद कल भाजपा ने 27 नेताओं की लिस्ट बनवाई है जो कि 8 साल सितंबर 2014 से मई 2022 तक के विवादास्पद भाषणों के
दायरे में आते हैं जिसमें कि आईटी विशेषज्ञों ने खंगाला, इनके नेताओं के भाषण जो भाजपा खुद खंगाल रही है, जिसमें 5200 गैर बयान, बयान गैर जरूरी, 2800 बयानों के शब्द संवेदनहीन संवेदनशील और 38 नेताओं के बयान धार्मिक मान्यता आहत करने वाले पाए गए हैं। और पार्टी ने निर्देश दिया है अपने नेताओं को भाजपा के कि कोई भी धार्मिक बयान देने से पहले पार्टी से अनुमति ले। अब इसी क्रम में एक और आंकड़ा रख देता हूं, 2014 तक भड़काऊ भाषणों में भाजपा की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 17 तक 78% पहुंच गई। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज के तत्वाधान का सर्वे है ये। मई 2014 से मार्च 18 तक करीब 100 नफरत भरे भाषण जो सीधे सीधे भाजपा नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें 31 भाषण केवल उत्तर प्रदेश में दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप केवल पहले कार्यकाल में आपने विपक्ष को कोस कोस करके या टारगेट करके अपने दुर्व्यवस्थाओं को, अपने अनुशासनहीनता को छुपाने का प्रयास किया, अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के आप परिपक्व धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले बयान भाजपा नेता देते हैं, उनको समझना चाहिए कि खाड़ी देशों ने आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई किससे हुई? बीच में बोलिए बस प्लीज। आप आपत्ति दर्ज कराने के बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन इससे एक संदेश दिया जाता है कि आप धार्मिक भावनाओं को आहत करते करते उस स्तर पे चले गए जहां पे कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण आपको कार्रवाई अपने ही सदस्य पे करने पड़ी और उसका कितना विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पे जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ा विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था इसी मुद्दे को लेकर के कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए किस तरह से अहंकार, प्रचंड अहंकार के दायरे में आने के बाद एक गुडबुक में आने के कारण, केवल कि किसी तरह गुडबुक में आ जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में आ जाए, इस तरह के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले बयानों की श्रेणी आज पहली बार नहीं है। लेकिन आपको बचना पड़ेगा, ये आपके पार्टी के आंतरिक मसले हैं, मैं इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन इसमें विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने से अच्छा है, मुझे लगता है जिस तरह भाजपा, अगर विपक्ष जिम्मेदार होता तो अपने नेताओं की लिस्ट बना के उनको निर्देशित नहीं करती और केवल विपक्ष पे ठीका फोड़ देने से लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम यूपी पुलिस की जब तक लागू रहेगी, उत्तर प्रदेश में चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बयान दे रहा हूं। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी कुछ कह रहे हैं, अपना जवाब रखिए श्रीनिवास पांडे जी। जहां तक खाड़ी देश की बात है कि अगर खाड़ी देश ने मतलब आपत्ति दर्ज कराई है तो खाड़ी देश का मैं एक मतलब करूंगा, हाँ इन्होंने जो बातें कही मैं बहुत उससे सहमत हूं और एक विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष का काम होता है कि वो मजबूत करे और देश सरकार की कमियां और नाकामियां को गिनाए भी। और विपक्ष को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो भी सरकार का सहयोग करे। अगर जहां देश की अस्मिता की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, तो विपक्ष को मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि टांग खिंचाई करनी चाहिए। और जहां तक खाड़ी देश की बात है तो कतार की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुजरात से टर्मिनल से गैस की मतलब हुई थी, मतलब एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल तक हमें उसी चीज पे है। नुपुर शर्मा का बयान तो एक बहाना है और उन्होंने कहा कि हम यूरोप में जब यूक्रेन और युद्ध से बहुत ज्यादा गैस का डिमांड बढ़ गया है तो कतार ने कहा कि हमको पैसे बड़े दाम पे कहेंगे, तो भारत ने कह दिया रूस से गैस ले रही है तो उसने कह दिया। तो कुछ खाड़ी देश तो मतलब वो प्री प्लान है, वो नुपुर शर्मा का प्री प्लान है। और हम एक किसी विदेश नीति से, आपको याद होगा नीदरलैंड के भी जो राजदूत थे और उनके भी राजदूत थे, उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि ये भारत का वो मामला है, इसमें मुस्लिम देश को इस बात पे कुछ कहने का हक नहीं है। और मुस्लिम देश जो मतलब लॉबी होके एकदम खड़ा हो रहा है तो वो भारत के विरुद्ध साजिश है और वो और कुछ भी नहीं है, और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देना होता है। और ये मैं इनसे भी कहूंगा कि सपा को भारत के साथ खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर हमें कोई भी देश लॉबी बंद करेगा तो क्या हम उससे डर जाएंगे या उस देश पे आगे घुटने टेक देंगे, मजबूर नहीं होंगे? और मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूं कि अगर हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, हम क्यों उनके आगे घुटने टेकेंगे कि लॉबी बंद? अगर कल को कुछ वो कुछ और भी डिमांड करेंगे तो क्या हम हर टाइम घुटने टेकेंगे? और ये पूरी लॉबी बंद है और ये पूरा ये चीज है। और आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान का मसला हो या तुर्की का मसला हो, भारत ने तो कभी भी मतलब वो लॉबी बंद हुए नहीं,
हम भी चाहते लॉबी बंद कर सकते थे उनके अगेंस्ट, लेकिन हमने लॉबी बंद नहीं हुआ। और अगर उनका मसला है और हमारे देश का मसला है तो उनको हम लॉबी बंद होके हमको इतना नहीं कहने चाहिए। नुपुर शर्मा ने अपने बयान पे खेद व्यक्त कर दिया था और पार्टी ने उनको वो भी कर दिया था। अगर वो लॉबी बंद हो रहे तो ये उनका मसला है, हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। ठीक है श्रीनिवास पांडे, जब ये भी कहा जा रहा है कि जो एक सपा ने रिपोर्ट बनाई है उसमें ये बात कह दी गई है कि सत्ता पक्ष के दबाव में अब भाजपा की जो विचारधारा है उसी के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई जो है वो की जा रही है, एक पक्षीय कार्रवाई बताया जा रहा है इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कार्रवाई होगी पूरे मतलब ठोस निर्णय लेकर कार्रवाई हो जाएगी। और नुपुर शर्मा के बयान पे हाँ ये था कि नुपुर शर्मा को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चीज में भी ये सपोर्ट हो रहा है कि हम अगर किसी देश के दबाव में आकर अगर मतलब ये चीज करते हैं तो वो चीजें अच्छी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने से निर्णय लेते तो सही रहता, लेकिन किसी देश में दबाव में आके हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। और ये घुटने टेकने की मतलब ये चीज नहीं है। और हम मतलब अगर विपक्ष मतलब ये करे, विपक्ष को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और जो कानपुर में दंगे हुए उसके साथ दंगा कहीं भी तर्कसंगत नहीं था। और ये चीज है, आपके पिछले डिबेट में भी ये बात हुई थी, अगर किसी ने एक बयान दिया है तो क्या हम देश को पूरे आग में झोंक देंगे या पूरा देश की प्रॉपर्टी को मतलब नुकसान पहुंचाने का, उसको क्षति पहुंचाने का कोई भी मतलब ये चीजें होती है कि क्षति पहुंचाया जाए या देश को, इससे देश की हानि होती है, देश का वो होता है। तो इनको भी विपक्ष को भी ये भूमिका निभानी चाहिए कि देश के साथ हो और दंगाइयों के साथ ना हो। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीनिवास पांडे जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए, ये बात भी सामने आ गई है कि राष्ट्रपति भी थे वहां पर, प्रधानमंत्री भी थे, और इन सबके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई? नहीं, चूक नहीं है, चूक थोड़ी सी मतलब ये है कि वीआईपी वहां पे था और ये चीज होती है कि वीआईपी की देखिए सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरा से, लेकिन उसी पल मतलब योगी जी ने बहुत बुद्धिमत्ता से स्थिति को नियंत्रण भी किया और चून चून के उन दंगाइयों का हिसाब किताब भी हो रहा है। तो ये थी कि वीआईपी और ये वीआईपी जो होती है उनकी अलग सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का होता है। तो ये कह देना कि सारे लोग वीआईपी ड्यूटी में चले गए थे तो नहीं थे। हाँ, ये चीज है कि डीएम को वहां के लोगों को संज्ञान इसका लेना चाहिए था कि आखिर चूक क्यों हो गई और चूक हुई तो किस वजह से हुई, क्योंकि वीआईपी के जो होते हैं सुरक्षा वो अलग होती है और ये आम नागरिक की सुरक्षा तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि वीआईपी के अगर आएंगे तो पूरी सुरक्षा हो जाएगी और देश को नागरिकों आम नागरिकों को मतलब आतंकवादियों के हवाले छोड़ दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये डीएम को संज्ञान जरूर लेना चाहिए इस बात पे कि आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई और इसका जिम्मेदार क्यों है। और पूरी इस तरह की आईआईटी सेल स्थापित करके एक गठन करना चाहिए टीम का और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई के लिए हम उस तत्पर भी हैं और हमने मतलब मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि आखिर ऐसी चूक क्यों हुई। जी ठीक है, विवेक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस पर ये जवाब दिया गया कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो रिपोर्ट सामने आई है उसके उसमें यही बात जो दोहराई गई है कि विचारधारा के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई जो है वो भाजपा सरकार कर रही है। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कितने लोग पकड़े गए अभी तक। जी, सबसे ज्यादा एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं, एससी एसटी जातियों में सबसे अधिक मामले यूपी में आते हैं, उसके बाद एमपी में आते हैं। और ये जो भी पकड़े गए ये एससी एसटी ओबीसी जातियों से ज्यादातर ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। बहरहाल, अगर गलत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते, वो चाहे सरकार किसी की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आपके इस राष्ट्र के तीन तीन जिम्मेदार पदों पे नेतृत्व करने वाले सबसे जिम्मेदार नेता राजनेता आपके उस शहर में मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था कहां चूक हुई, खुफिया तंत्र कहां विफल हुआ, इसको समझने की जरूरत है। इसको आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम लागू है। मैं दोबारा इसको बात को दोहरा रहा हूँ, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम लागू है आप पुलिस के खुफिया तंत्र को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। कारण होता क्या है, दूसरे प्रदेश दूसरे जिलों के आरक्षियों को, दूसरे जिले के दरोगाओं को, पुलिस के इंस्पेक्टर को या इंटेलिजेंस के लोगों को आपने पदस्थ कर दिया किसी दूसरे जिले में। और कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जहां पे आप ज्वाइनिंग के पहले समय से ही उससे आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। औसतन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर इतना दबाव है कि एक
कांस्टेबल के ऊपर मुझे लगता है 800 850 लोगों की सुरक्षा का दायित्व भार है। तो फोर्स की कमी होना, क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न होना, भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान न होना, भौगोलिक समीकरण का ज्ञान न होना, आपराधिक समीकरण का ज्ञान न होना, क्षेत्रीय संरक्षण का ज्ञान न होना आपराधिक, ये कई बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि खुफिया तंत्र के विफलता का कारण होता है। इसी क्रम में जो अभी पांडे जी कह रहे थे, मैं आता हूं कि खाड़ी देशों में, हम खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों में रहने वाले हमारे जो नागरिक है जिसमें 30% भारतीय है, वो लगभग $40 बिलियन से ज्यादा की धनराशि भारत भेजते हैं। अब बात आई दबाव की, मुझे लगता है पांडे जी को यहाँ थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। खाड़ी देश में कई ऐसे खाड़ी देश हैं जो कि भारत के सहयोग के साथ टेक्नोलॉजी, होटल निर्माण, फाइनेंस कंपनियां, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें कि UAE और सऊदी अरब की भागीदारी सबसे ज्यादा है। इसी क्रम में अगर हिंद महासागर या पश्चिमी हिंद महासागर में मजबूत पकड़ की बात करें, ओमान में भारतीय 3 नौसेना के नौसेना बेस और एयरबेस मौजूद है हमारे एयरफोर्स के और नेवी के। तो इसी क्रम में आप देखेंगे IIT संयुक्त अमीरात में, IIT सबसे पहला भारत ने विदेश में स्थापित किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया। तो आप किसी देश के अंतरराष्ट्रीय मसलों की बात जब आती है तो इस्लामिक फैला हुआ देखिए वर्ष विषय है, पैगंबर का नाम लिया गया, जिस पैगंबर को आप यहाँ पर पूछते हैं या जिस तरह भी आप उनको उन्मुक्ति आप उनको पुकारते हैं, इन्हीं पैगंबर को वहां लोग पूजते भी हैं। आप अपने आपको विश्व गुरु साबित करने या अपने प्रचंड अहंकार के रोष में आकर के जोश में आकर के किसी के धार्मिक मान्यताओं पे कुठाराघात नहीं कर सकते, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ये बड़े संवेदनशील मसले होते हैं, वरना इन खाड़ी देशों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई होती। और श्रीनिवास पांडे जी को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पे बात दबाव की नहीं है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है। आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी को नीचा, निकृष्ट या स्तरहीन दिखाने का प्रयास नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, विपक्ष की बात की आपने बार बार, विपक्ष ने तो पहले दिन, अखिलेश यादव जी ने तो पहले दिन शांति बनाने की अपील की। मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कानपुर हिंसा में जो जिम्मेदार है उनको वहां के स्थानीय लोग स्वयं सामने ला करके सरेंडर करवाएं, क्योंकि ये कानून व्यवस्था ये प्रदेश केवल और केवल सरकारों का नहीं होता, विपक्ष का नहीं है, ये आप सभी का है, इस देश में प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक का है। और एक पत्थर भी चलेगा, अगर एक अमला भी टूटेगा, तो यकीन मानिए उसका भुगतान खामियाजा पूरे प्रदेश को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शांति की अपील के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ये भी कहता हूं कि जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं या जो लोग आपको पता है, अगर आपको पता है कि कोई उसमें दोष था, कोई उस दिन इसमें बाकायदा उस घटना में संलिप्त था, पुलिस के पास जाइए और पुलिस को बाकायदा उसके बारे में बताइए और पुलिस उसको सरेंडर करवाने में मदद करिए। ठीक है विवेक पांडे जी, लेकिन ये जो कैन विधायक है मोहम्मद हसन रूमी, अब वो ये बात कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर नहीं चलने देंगे और भाजपा लगातार दंगों पर राजनीति करती आई है। देखिए ये मामला का थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इनके बारे में मुद्दों पे बात करते हुए जिस तरीके से बात हो रही है, केवल और केवल मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद और धार्मिक उद्भाव, मुझे लगता है कि बुलडोजर की बात जहां तक है, कानून अगर कानूनी परिधि में दायरे में काम किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल इस वजह से कि आपने किसी को आपने पहचान लिया या आपने किसी को चिन्हित कर लिया, अब वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप बुलडोजर चलवा, मुझे लगता है कि इससे आप फिर उसी परिपाटी को जन्म देने का प्रयास करेंगे। एक बाकायदा एक अपराधी जिसका आपराधिक इतिहास है और एक भीड़ उन्माद, दोनों में अस्तर होता है, इस विषय को भी समझने की जरूरत है। उन लोगों ने गलती की है, उनको कानून सजा देगा, आप पुलिस के हाथ खुले छोड़िए और पुलिस अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से सबको अरेस्ट करेगी, न्यायालय में प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई करेगी न्यायालय करना होगा करेगी। लेकिन केवल बुलडोजर चलवा देना, मुझे लगता है कि ये कानूनी परिधि के दायरे में अगर आप कहीं से भी इसको साबित कर सकते तो कर दिया, वरना न्यायालय में तो चुनौती दी जाएगी। ठीक है, इसी पर श्रीनिवास पांडे जी से जवाब लेना चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांत विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने यह बात कह दी है कि पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे? अरे ये बात नहीं है बिल्कुल, अगर पत्थर पे जो फेंका है और अगर बुलडोजर चला है तो उनके कह देने से नहीं है। अभी एक कोई इनके मौलाना ने कहा था कि ज्ञानव्यापी ने भी बहुत बड़ा टिप्पणी किया था कि हम करने नहीं देंगे, लाश बिछा देंगे हिंदुओं की,
और मतलब हम मतलब होने नहीं देंगे, तो आप कोर्ट के फैसले पे जाइए ना, जब कोर्ट ने फैसला बोल दिया तो कोर्ट के फैसले को आप देखिए। तो आप आपका मानिए, ओबीसी कहते हैं कि 15 दिन अगर पुलिस हटा के देखो पूरा मुसलमान हिंदुओं को जला देगा, तो ये स्टेटमेंट तो इन लोग भी देते हैं, तो इन लोग के स्टेटमेंट रहते, इनके तो भड़काऊ स्टेटमेंट है। और ओबीसी ने पूरे मतलब कहा था कि मोदी और योगी चले गए तो तुम्हारा क्या होगा, तो ये तो भड़काऊ स्टेटमेंट ये भी देते हैं। भड़काऊ स्टेटमेंट क्या कि सिर्फ हमारी मतलब नुपुर शर्मा ने नहीं दिया है, इनके आपने मदीनी जो कौन नाम है याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है मौलाना ने, और नाइक ने खुद पैगंबर के बारे में बोला, तब तो खाड़ी देश ने अपनी आपत्ति नहीं जगाई कि नाइक के विरुद्ध बोला कि नाइक को फांसी चढ़ा दो, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इनको एक मतलब बहाना चाहिए था नुपुर शर्मा को, इनको बहाना मिल गया और खाड़ी देश से। हाँ ठीक है, विवेक पांडे जी की बात सही है कि हम उस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमारा देश बहुत, हमारे वहां पे बहुत आम नागरिक भी है और हमारा व्यापार भी संबंध है, उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें इंटरनेशनल सीन पर बहुत अच्छे तरह से बात रखना चाहिए। आपको 1965 का याद होगा, जब लाल बहादुर शास्त्री, जब 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, तो अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम गेहूं का सप्लाई बंद कर देंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि एक दिन लोग अन्न खाएंगे और हमें आपके गेहूं की जरूरत नहीं है। तो हमें वही जज्बा वही दिखाना चाहिए, मेरा कहने का वही तात्पर्य है कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते, किसी के दबाव में नहीं आ सकते। हाँ हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी हमें सप्लाई करना है, अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा भी करना है, ट्रेड भी करना है, वो जरूरी चीज है, लेकिन हमें विदेश नीति भी बहुत कड़े ढंग से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम दबाव में आ गए तो वो तो हमारा फायदा ही कल को उठाएंगे। और सेकेंडली जहां तक ये बात है कि इनके नेताओं का भी बहुत भड़काऊ बयान आता है, वो चाहे वो ओबीसी हो चाहे मदेनी है, और किसी बाप की दम नहीं है कि अगर वो ये चीज कहेगा कि हम मतलब देश में लाश दिखा देंगे तो ये देश मतलब किसी ना मुसलमान का है ना हिंदू का, ये सर्वधर्म को हम हमारा देश मानता है और उसको मानता है, किसी के कह देने मात्र से नहीं होता है। और इन लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर हिंदू पे होता तो ये भी स्टैंड ले हिंदू के लिए, हिंदू अगर कोई भी ऐरा गहरा आके हिंदू को ललकार देता और धमकी दे देता है तो वो अब नहीं चलेगा, अगर वो अगर करेगा तो उसके पे बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है विवेक पांडा जी, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बात अब यही बोली जा रही है कि जब सपा के भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब वो इस तरीके से भड़काऊ बातें करते हैं तब सपा आगे क्यों नहीं आती है? देखिए मैं आपको पहले तो थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो इन्होंने कहा था पुलिस हटाने वाली बात, वो असदुद्दीन अवैसी के भाई ने बयान दिया था जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, 3 मंदिर मांगे थे तुमने नहीं दिए, अब सारे मंदिर वापस लेंगे। अभिजीत सांगा, विनय कटियार, इस देश को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, ऐसे कई विवादास्पद बयान जो आते रहते हैं, जिसके कारण आज भाजपा की ये स्थिति है कि उसको स्वयं आकलन करते हुए अपने 37 शीर्ष नेताओं पर प्रतिबंधित करना पड़ा उनके बयानों को लेकर, और उनको निर्देशित करना पड़ा कि धार्मिक आधार पर कोई भी बयान देने से पहले पार्टी से अनुमति लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये आप बार बार जो विपक्ष विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने से भाई कार्रवाई किसने की नीपू शर्मा पे? भाजपा ने की है, विपक्ष तो कार्रवाई कर नहीं सकता है। अब आप उसका ठीकरा अगर विपक्ष के ऊपर फोड़ देंगे तो विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने से आपकी अपनी गलतियां नहीं छुप रही है ना? अगर गलतियां विपक्ष ने की होती तो कार्रवाई आपकी भाजपा अपनी पार्टी के लोगों पे क्यों कर रही होती? तो देखिए, हर बार विपक्ष को कुछ कहने से पहले मुझे लगता है थोड़ा परिपक्वता से सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस देश का जो माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, यहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित है। जब देश के ऊपर कोई संकट आया तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी शिद्दत से हिंदू ने लड़ाई लड़ी उससे उतनी शिद्दत से मुस्लिम ने भी सहयोग किया। लेकिन जिस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जो भी आप कह दीजिए, जातिगत झंडा आ जाए तो मुझे लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अल्पसंख्यक अगर कह लेते हैं, तो जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के प्रति रोष आप व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है ये परिपाटी विकास की परिधि से बहुत दूर है। आपको विकास की बात करनी चाहिए, आपको अनुशासन की बात करनी चाहिए, सुशासन की बात करनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात करनी चाहिए, राम राज्य की बात करनी चाहिए, लेकिन कागजी बात नहीं करनी चाहिए। मीडिया में केवल अच्छे वक्तव्य देने के लिए नहीं करना चाहिए, उन बातों को यथार्थ धरातल पे लाने के लिए आपको विपक्ष को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। लेकिन माफ कीजिएगा, आपने विपक्ष का हमेशा अपमान किया है। विपक्ष के नेताओं को लेकर के जब आपको सरकार बनानी होती है तब तो आप नहीं देखते कि धार्मिक उन्माद की बातें कहा है। हमें आज भी याद है कि हमने अपने एक नेता को पार्टी से जब निकाला था, भाई आपको भी याद है राम और
रम किस तरीके से उन्होंने सदन में अपमानित किया था हिंदू देवी देवताओं को, आज वो किसकी गोद में बैठे हुए हैं। आप बात करते हैं धर्म की, हिंदुओं की, क्या उस दिन हिंदू मान्यताओं का अपमान नहीं हुआ था? हमने तो, हम तो गर्व से कहते हैं कि हमने उनको अपनी पार्टी से निकाला, लेकिन आज वो किसकी गोद में बैठे हैं? आज आबकारी मंत्री कौन है? उन्हीं के बेटे हैं। तो भाई ये तो आपको तय करना है। चाल चरित्र और चेहरे की बात अगर करिए तो समाजवादी पार्टी में केवल कहने के कारण आप साबित नहीं कर सकते, मैं तो तर्कों से साबित कर रहा हूँ। आप तर्कपूर्ण बात करिए ना, आज वो किसकी गोद में बैठे हैं? उस दिन क्या धार्मिक मान्यताओं का हनन नहीं हो रहा था हिंदुओं के? लेकिन आज वो आपकी गोद में बैठे हैं, उनके बेटे आबकारी मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत भाजपा को है कि एक परिपाटी जो उन्होंने लगातार परंपरागत परिपाटी को बढ़ावा दिया है, अब वो परिपाटी उनके लिए विष के समान होती जा रही है। और माफ कीजिएगा, कलयुग है, फलाहल विष पीने की क्षमता केवल महाकाल महाकालेश्वर में थी, आपके नेताओं में नहीं है। इसीलिए भाजपा ने आज ये कार्रवाई की है अपने नेताओं। ठीक है विवेक पांडे जी, अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा लगातार टारगेट कर रही है विपक्ष पर, लेकिन जब ये सवाल भाजपा से किया जाता है तब तो वो यही बात कह रहे हैं कि हम किसी विपक्ष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सपा खुद ही यही बात कह रही है कि भाजपा हमें टारगेट कर रही है। देखिए आप एक बात समझिए कि 5200 गैर जरूरी बयान, 2700 बयानों के शब्द संवेदनशील और 38 नेताओं के बयान धार्मिक मान्यता आहत करने वाले, ये भाजपा की आईटी सेल की रिपोर्ट है अपने ही नेताओं के लिए। तो मुझे लगता है इस परिधि को भी समझने की जरूरत है कि अगर विपक्ष ये बयान देता तो ये एनसीआरबी जो है या एडीआर की रिपोर्ट जो है वो विपक्ष को टारगेट कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, सपा के, मैं ऐसा नहीं कहता कि सपा के कुछ नेताओं के बयान धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं थे। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 6 सपा के, कांग्रेस के 13, राजद के 14, AIIMM के 3, जदयू के 4, अन्य ने 14 भाषण दिए, लेकिन सबसे ज्यादा 46 जहर भरे भाषण जो की पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट थी जो सर्वे की, उसके अनुसार 46 सबसे जहर भरे भाषण भाजपा के नेताओं द्वारा, क्योंकि ये बात इतिहास गवाह है। हिंदू मुस्लिम की परिपाटी में जिस तरीके से आज आप कानपुर दंगे को जोड़ के देख रहे हैं, मुझे वो बाबरी विध्वंस भी याद है कि ये परिपाटी और इस परिपाटी को बढ़ावा देने वाले कौन थे। वो बाबरी विध्वंस भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो मामला भी कोर्ट में था, लेकिन उसको आपने बढ़ावा दिया प्रायोजित तरीके से, हिंसा को बढ़ावा दे के आपने मस्जिद गिराई थी, उसको आप स्वीकार नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन आज आप क्या बुलडोजर नहीं चलवाने जा रहे हैं? क्या आज आप कानून की कार्रवाई की बात नहीं करते हैं? क्या आज आप उन्माद और भीड़ को हिंसात्मक रूप से दिखाने का प्रयास नहीं करते? पत्थरबाजी तो उस दिन भी हुई थी पीएससी के ऊपर, पत्थरबाजी आज भी हुई है। आज कार्रवाई हो रही है तो सुशासन है, उस समय कार्रवाई हुई तो कार सेवकों की हत्या थी। तो मुझे लगता है कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। कानून किसी एक हिंदू या मुस्लिम के चेहरे को देख करके काम नहीं करता है। और उससे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, आज तक जो झूठ इस देश में परोसा गया, इस झूठ को धार्मिक आधार पर जिस तरीके से परोसते हुए भाजपा अपनी राजनीति करती आई है, अब भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको सत्ता में बने रहना है और सत्ता में सुशासन का रूप कायम करना है तो थोड़ा सा आपको कानूनी प्रक्रिया और कानूनी मान्यताओं को आधार देकर के चलना होगा। क्योंकि यकीन मानिए प्रचंड अहंकार और प्रचंड जीत का जब अहंकार सर चढ़ के बोलता है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो वो भीड़ अराजक हो जाती है, और अराजक भीड़ पे कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता, वो अनुशासनहीन भीड़ होती है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से 2 सपा के विधायक लखनऊ जाकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं देखा गया कि ये जो राजनीति है ये कानपुर हिंसा की वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। हाँ वो तो देखिए इसको तो हिंसा को तो राजनीति रूप दी है, और जहां तक इन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस की बात कही थी तो इनको याद ज्ञान होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को नरसिम्हा राव ने गिराने का हुक्म दिया था, और इनके ही नेता थे मुलायम सिंह यादव माननी, उन्होंने ही कहा था कि कार्यकर्ता पे गोली चलवाई थी। हाँ। और मतलब धार्मिक उन्माद को उस समय इन्होंने बहुत चरम पे ले गए थे, और इन्हीं के नेताओं ने कहा कि सबसे पहले अगर किसी पर यहाँ के रिसोर्सेस पर अधिकार है तो वो मुस्लिमों का है, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होके भी कहते हैं कि कांग्रेस का, तो ये देखिए ये लोग किस पे कहते हैं। तो जो धार्मिक उन्माद की बात तो ये ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि धार्मिक उन्माद को 1990 में मासूम कार्यकर्ताओं को सरयू नदी खून से रंग दी गई, अभी भी कलंक मुलायम सिंह के हाथों मतलब सरों पे है, वो कलंक धुला नहीं है, कि अभी भी कार्यकर्ता के कलंक को हम नहीं भूलते। गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव जी ने, और वही मुलायम सिंह यादव थे
जिन्होंने पूरे सदन में कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। तो धार्मिक उन्माद को नहीं, और भाजपा के नेता में थे इतनी तो दम है कि वो अपने नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश तो अपने नेताओं को गोद में बिठाते, और जहां तक गोद में बिठाने की बात है, कपिल सिंबल जी ने राम पे 12 बजे खुलवा के राम पे पेटिशन डायल किया था कि राम काल्पनिक है, उसको गोद में किसने बिठाया, उसको गोद में राज्यसभा में किसने भेजा, वो तो वो किए थे ना सपा के सहयोग से किए ना, तो ये मत कहिए। ये तो राजनीति में परिपेट में चलता है कि आपके गोद में वो बैठ जाते हैं जो गलत बोलते हैं, हमारे गोद में जो बैठते हैं वो हमारे गोद में, तो ये तो राजनीति का हथकंडे है। आप भी ऐसा नहीं कि अगर आज भाजपा को कोई लोग, अगर भाजपा को कोई लोग जाते हैं तो आप अपनी गोद में बिठा लेंगे बहुत अच्छे से। अगर नुपुर शर्मा भी अगर आपके गोद में जाएंगे ना आज, तो आप आराम से बिठाएंगे नुपुर शर्मा को और कहेंगे कि आज आइए हमारे पास, तो ये चीज नहीं है, ये आप कह नहीं सकते। और जहां तक धार्मिक उन्माद की बात है, बाबरी मस्जिद का आपने विध्वंस दिया, तो बाबरी मस्जिद का कलंक अभी भी मुलायम सिंह के सर पर धोया नहीं है, और उनको पश्चाताप अग्नि में जल रहे हैं मुलायम सिंह यादव, पश्चाताप कि अग्नि में इसलिए जले, तभी तो उन्होंने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना आपत्ति है, मुझे चाहता हूँ अपने बेटे को क्यों नहीं किया, और उनके बेटे ने तो औरंगजेब को तलीकार कर दिया, अपने बाप को ही, मतलब जो औरंगजेब ने किया था अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव ने किया, आप नहीं कह सकते। और ये चीज है धार्मिक उन्माद की भावना को आप बढ़ावा दिए, शुरू से आपने आपकी ये चीज नहीं है मनता की हिंदू मुस्लिम को करो, आपको तो सोचते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारे पास, हमको मुस्लिम वोट की ध्यान रखनी है राजनीति, और हिंदू वोट तो हमारे पक्ष में है हिंदू वोट, लेकिन वो पहली पार्टी खत्म हो चुकी है, और अगर सुशासन नहीं होता तो भाजपा दोबारा नहीं आती, उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं। अखिलेश यादव तो खावी पुलाव में ये जी रहे थे, उन्होंने तो मंत्रालय तक बांट दिए थे, लेकिन वो अपनी हार नहीं पचा गए। अगर हम धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते तो हम अगर इस दोबारा नहीं आ पाते सत्ता में, और ये बात है, और हमारी ये मनसा नहीं रहती है, और अगर हमारे नेता अगर गलत बयानबाजी करते तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, विवेक पांडे जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। देखिये नुपुर शर्मा जी विपक्ष की नेता जरूर है, हमारे मानसिक विरोध विवेक जरूर है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि विपक्ष नुपुर शर्मा को गोद में बिठाएगा, ये बहुत ही अमर्यादित शब्द है एक महिला के प्रति, वो भी चैनल पे बैठ करके, या अपने ही नेताओं को अपने ही पार्टी का महिमा मंडित करते करते। नहीं, मैंने उस पे गोद में नहीं बिठाया, कल आपके जो नेता आए थे, आपके एक नेता आए थे, वो उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा के साथ बलात्कार भी हो जाते तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप मैंने कहा था गोद में बिठाने की बात होती है, कपिल सिंबल को आपने बैठाया ना, नुपुर शर्मा को भी अगर आप ले लेंगे पार्टी में, मेरा वो मतलब था, वो मेरा मतदाता महिलाओं का सम्मान करना हमारी पार्टी को आता है, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं। आपके नेता ने कल डिबेट में भरी सभा में कहा नुपुर शर्मा के साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो हो जाने दीजिए। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, विवेक पांडे जी ठीक है, मैं आपत्ति इसे दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा मेरा मतलब था, देखिए एक शब्द के फिसलने के कारण कानपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया, एक शब्द के फिसलने के कारण अंतरराष्ट्रीय पटल पे भारत को दो कदम पीछे हटना पड़ा, एक शब्द के फिसलने के कारण खाड़ी देशों की आपत्ति भारत में दर्ज हो गई, एक शब्द के फिसलने के कारण आज धार्मिक हिंसा कानपुर में व्याप्त हो गई, और एक शब्द के फिसलने के कारण एक नुपुर शर्मा की एक बात नहीं है, बात है महिलाओं के अपमान की, गोद में बिठाने जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है एक महिला। मैंने कप्तान संबल के लिए कहा है, नुपुर शर्मा के लिए कहा है, नुपुर शर्मा को आप मतलब आराम से पार्टी में आप जाएंगे तो देख लीजिएगा, आप अपने शब्दों को दोबारा एक बार देख लीजिएगा। आप पूरे मैंने कपिल सिंबल के लिए कहा है, नुपुर शर्मा के लिए दर्ज कराता हूँ, मैं इस बात पे आपत्ति दर्ज कराता हूँ। आप नुपुर शर्मा जी से माफी मांगिए क्योंकि वो आपकी नेता है, लेकिन नुपुर शर्मा जी से आपको मतलब इस तरह के आपत्तिजनक आप पार्टी का महिमा नुपुर शर्मा के लिए तो हम लोग सपोर्ट में है, नुपुर शर्मा के तो सपोर्ट में, नुपुर शर्मा तो जाएंगे नहीं सपा में, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया आगे, अगर नुपुर शर्मा भी आपके पूछ में आएंगी तो आप बड़े चाव से लेंगे। अगर आपको आज नुपुर शर्मा का बयान खराब लग रहा है ना, लेकिन नुपुर शर्मा को आप बड़े चाव से अपने पार्टी में ले लेंगे, लेकिन नुपुर शर्मा जाएंगे नहीं आपके पार्टी में, वो एक उदाहरण था। नुपुर शर्मा आपके पार्टी में कभी नहीं जाएंगे, वो नुपुर शर्मा नहीं जाएंगे। कपिल सिंबल को आपने लिया, कपिल सिंबल ने तो राम के बारे में बहुत कुछ बोला, कपिल सिंबल को आपने लिया तो आप हम पे क्यों दोषारोपण करते हैं? ठीक है, हम पे दोषारोपण नहीं कीजिएगा, दोषारोपण हम पे नहीं कीजिए आप। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराता हूँ, मेरी आपत्ति दर्ज रहेगी,
मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग अपने डिबेट में करना पसंद नहीं करता और ना ही सुनना पसंद करता हूं, चाहे वो विपक्ष की नेता क्यों ना हो, लेकिन उस महिला होने के नाते उसकी एक मर्यादा है। आपके नेताई ने कल नुपुर शर्मा के बारे में बहुत कुछ बोला था, आपकी बोला था कल, बोला कि नुपुर शर्मा के साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो है, आपको नुपुर शर्मा के लिए मैंने उदाहरण था कि आप क्या नुपुर शर्मा तो वैसे जाएंगे नहीं आपके वहां, लेकिन अगर वो जाती तो आप उनको लेंगे। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, विवेक पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी, सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से अभी बात सामने आ रही है कि हिंसा के जो मास्टरमाइंड थे अयाज जफर और उनके जो करीबी बताए जा रहे हैं निजाम कुरैशी, उनके संबंध जो है वो सपा से जोड़े जा रहे हैं। अरे आप जोड़ने के लिए कुछ भी जोड़िए, साबित तो करिए कि वो सपा के कार्यकर्ता थे, पद पे थे, बताइए ना। लेकिन फिलहाल इनके बीजेपी की यूथ विंग के नेता तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, भाजपा का तो, भाजपा का तो रिश्ता जुड़ गया है, भाजपा के तो नेता का नाम आ चुका है, अरेस्ट भी हो चुका है। और समाजवादी पार्टी से जोड़ना और समाजवादी पार्टी का होना दो अलग बातें मैडम। तो मुझे लगता है कि थोड़ी जांच होने दीजिए, पुलिस खुद ही साबित कर देगी, पुलिस खुद ही बता देगी। अगर समाजवादी पार्टी के नेता होंगे तो समाजवादी पार्टी उस पे कार्रवाई करेगी, अगर करनी होगी पहले आप जोड़ के बताइए तो, साबित तो करिए पहले। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आपकी कानपुर दंगा के मामले में जो राजनीति है वो काफी तेजी से जुड़ती नजर आ रही है, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए थे, इसके साथ ही साथ सपा से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से अपना अपना जो पक्ष है वो आज इस चर्चा में रखा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से दो सपा विधायकों ने लखनऊ जाकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसी के बाद लगातार जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आई है, साथ ही उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी यहां पर सौंपी गई है। बताना चाहेंगे आपको इसी कड़ी में कि कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अब तक की घटना को अखिलेश से बताया, और सपा ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें यह बात कही गई है कि सत्ता पक्ष में के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसी के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, और रिपोर्ट में जांच के नाम पर कई निर्दोषों को फंसाया गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि बहुत जल्द सपा का डेलीगेशन जो है वो कानपुर भेजा जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई है उसके बाद से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जांच पड़ताल जारी है इसमें यह साफ हो जाएगा कि कौन निर्दोष है और किस तरीके से उन पर जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केके न्यूज़।